इंस्टाग्राम पर मद्रास करी के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे थे। वहीं पे करंट ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज हिंदू देवी देवता की आरती करते हुए नजर आए। अगर प्रेजेंट इस तरह से होंगे कि देखें मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। और हमारा तो कौमी तराने भी है ना, एक परचम के साए तले, तो हम क्या साए तले हैं परचम? बस साए तले ही है, फिर महसूस उनकी बात ही ना करो। इतना तंग है, बहुत तंग है हम। तो हमारे पड़ोसी भाई कहते हैं, बहने कहते हैं कि पाकिस्तान आज हमारे बलबूते चल रहा है, पाकिस्तान से बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं। यूट्यूब जो है हमारे यूट्यूबर्स के लिए वेंटिलेटर का किरदार अदा कर रहा है। अगर यूट्यूब ना होता तो पाकिस्तान इस वक्त जिस बोर्ड पर खड़ा है, नौकरियां है कोई नहीं है। तो बुला के पाँव छूती है, सलाम करती है, गले लगाती है, जो बाइडन तक लगाते हैं सर, क्यों? मेरी एक बात सुनो, हाय हाय, दुनिया इस टाइम पाकिस्तान को किस नजर से देख रही है? किसी भी नजर से नहीं देख रही, वो सब कह रहे हैं ये सब तमाशा है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा काम ही नहीं है कि जो वो ये कहें कि पाकिस्तान की क्या बात है, नहीं है सर। अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो दुनिया में फिर महसूस उनकी बात ही ना करो। इतना तंग है, बहुत तंग है हम पाकिस्तानी, इतना तंग है तो दुनिया कितना तंग होगी जिनसे पैसे लेने जाते हैं। तो कह रहा हूँ मैं सर, अगर हम बात करें आज, अगर पाकिस्तान की 75 साल बाद इज्जत नहीं है तो वहाँ हिंदुस्तान की बहुत इज्जत है, क्यों, क्या वजूहत है? अरे वहाँ पर एजुकेशन है उनके पास, है उनके एक तरीका है, उनके इधर जो बकवास खाना है उनके पास ये नहीं है। उनके पास क्या है? एजुकेशन, और वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, सही बात, इसीलिए वो आगे है। सही बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, ये हमें चलना तो आता नहीं है, कोई बंदा सड़क रोशनी करने देता, सही बात है, तो क्या करेंगे हम? सही बात है सर, अगर इस तरह थोड़ा होता है सर। अगर हम बात करें कि जो भी हमारे मुमालिक हैं मुस्लिम, हम मुस्लिम्स की कहते हैं ना कि मुस्लिम मुस्लिम का दोस्त है, तो आज मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं कि जितने भी मुस्लिम मुमालिक है वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इस टाइम पीरियड के अंदर। सारी बात है, इधर ना तो बिजली है ना गैस है ना, और हालात ऐसे हैं, कौन आएगा इधर? इमरान खान साहब ने इतना खप डाला था, मैं ये कर दूंगा मैं वो, एक बंदा भी आया इधर? सीधी बात है, पिस गए हैं हम सर। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस के बारे में आपकी क्या राय है? वो उनकी बात ही ना करें आप सर। क्यों? इसलिए कि वो कामयाब है इस वक्त। सर हम एक बात सोचने वाली है कि जब कोई कामयाब होता है उसके पीछे हमें देखना चाहिए कि क्या फैक्ट्स हैं और हमें चलना चाहिए उनके पीछे। उनके पास एक तो तरीका है, एजुकेशन है, सबसे पहली बात एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद उनके पास जितने भी उनके तलीम जाफ्ता इंजीनियर उधर ही है, वो बाहर नहीं भागे, इसीलिए वो कामयाब है। देखें आपने कि यहाँ पर एक मतलब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किस तरह से फैक्ट्स पे बात करते हैं। सर मुझे एक और सवाल का बताइएगा जवाब, हम मोदी को गालियां देते हैं, आपने भी सुना है कि मोदी को हम किस तरह से, सर छोटा सा सवाल, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मोदी को हम गालियां देते, कसाई कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं कहती, और दुनिया उसको बुला के पाँव छूती है, सलाम करती है, गले लगाती है, जो बाइडन तक लगाते हैं सर, क्यों? पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था तब उन्होंने सबके सामने कहा था पीएम मोदी इज द बॉस, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो जापान के क्वाड समिट में पीएम मोदी का ऑटोग्राफी मांग लिया। मेरी एक बात सुनो, हाय हाय, कश्मीर आजाद हुआ है? नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताएं मुझे, सऊदी अरब यही इतना कह देना कि मैं हिंदुस्तान की कोई प्रोडक्ट अपने अंदर नहीं आने दूंगा, तो उसकी ऐसी की तैसी इंडिया की बातें तो ये है। सही बात है, सारे मुसलमान एक ही नहीं है, तरस खा लेते हैं हम पे, उनकी मेहरबानी है। सर 40 करोड़ के झंडे के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मतलब 40 करोड़ झंडा? जो सर हमारा झंडा 40 करोड़ का बनाया है। मेरी एक बात सुनो, 14 अगस्त को जो हम लोग करते हैं, अगर यही पैसा खरबों रुपए खर्च हो गए हैं, यही पैसा अपने मुल्क के ऊपर लगा दे, कौन है हम? 14 अगस्त को तो आप नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सही बात है। फिर कहते हैं ये आजादी, आजादी कौन सी आजादी? ये तो यही तो मुसीबत है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, बदतमीजी इतनी है हमारे अंदर के क्या बताऊं मैं आप, बर्दाश्त ही नहीं है एक दूसरे का। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। फिर कहते हैं हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, हमारा उनसे अंडरस्टैंडिंग से
मुआशरा नहीं चलता, बर्दाश्त करना पड़ता है। नुकसान है या हमारा नुकसान है जो हम उनकी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे? नुकसान तो हमारा ही होगा ना। और हमारा तो कौमी तराने भी है ना, एक परचम के साए तले, तो हम क्या साए तले हैं परचम? और साए तले ही है, शुक्र करो कि हम इस मुल्क में हैं, लेकिन हम नशुक्र हैं, हम उसका शुक्र नहीं कर रहे। आपका नाम? मुबीन अहमद। तो बताएं कि क्या चल रहा है आजकल और कैसे हैं आप? जी आजकल तो अगर YouTube का देखा जाए तो यूट्यूबर, हाँ YouTube जो है हमारे यूट्यूबर्स के लिए वेंटिलेटर का किरदार अदा कर रहा है। अगर YouTube ना होता तो जिस तरह पाकिस्तान की मुल्की सूरत हाल है, वो आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। पाकिस्तान इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ा है, नौकरियां है कोई नहीं है, एक वाहन जो जरिया है वो है बाहर से पैसे आए, बाहर वो हम लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमसे हो पा रहा है हम लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में डॉलर लेके आ रहे हैं, बाहर से अमेरिका से डॉलर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की मईशत काफी अच्छी जा रही है। तो जो हमारे पड़ोसी भाई कहते हैं, बहने कहते हैं कि पाकिस्तान आज हमारे बलबूते चल रहा है, पाकिस्तान से बाहर से डॉलर आ रहे हैं, क्या फिर उस मुकाबले में उनकी बातें सच्ची लगती हैं? काफी हद तक इनमें सच्चाई है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी आप फॉरेन रिजर्व देखें कहाँ पर है, अरबों में जा चुके हैं, और हमारे हम IMF के अभी तक मोहताज हैं, और हम IMF से अभी भी कर्जे मांग रहे हैं, तो कंपैरिजन तो काफी इसमें है, और हम IMF से कर्जों में दसते जा रहे हैं, और वो अपने आप को कितना डेवलप कर चुके हैं, हर सेक्टर आप उठा के देख लें, उन्होंने अपने आप को हर लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और हम बहुत ज़रा पीछे हैं उनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुबीन, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वर्ल्ड लीडर्स की बात करें, आज वर्ल्ड दुनिया की बात करें, तो पाकिस्तान जो है इस टाइम उस दहाने पे है कि जहाँ कोई भी इज्जत करने को तैयार ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के लोगों की हो, पाकिस्तान की हो, या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की हो। मगर बरक्स अगर हम कंपेरिजन में थोड़ा इंडिया को इन्वॉल्व कर लें, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज दुनिया के फेवरेट माने जा रहे हैं, क्या वजूहत बिंगा पाकिस्तानी आपको लगता है? बुनियादी वजूहत ये हैं कि मोदी की वाह वाह क्यों हो रही है, प्रचार क्यों किया जा रहा है, मोदी ने अपनी आवाम को वो बेनिफिट दिए हैं जो आवाम चाहती है, हमारे यहाँ पर जितने भी लीडरान आते हैं वो अपने मफादात के लिए काम करते हैं और चले जाते हैं, उसने अपनी आवाम को सेटिस्फाई किया है, अपनी आवाम को ये इंश्योर करवाया, जो वादे किए हैं उन पर वो पूरा उतरा है, डेट्स वाई कि वो पूरी दुनिया में उस। और दूसरी बात यह कि उन्होंने तल्लुकात हर ममालिक के साथ अपने अच्छे रखे हैं, ये नहीं कि किसी ममालिक के साथ उन्होंने बिगाड़ी है, हमारा ये है कि ये काफर हैं, ये यहूदी हैं, ये जो मामला था, हर चीज़ में हम इस्लाम को रिलीजन को लेके आते हैं, हमारी खामी ये है सबसे बड़ी। आप मुझे बताइएगा आने वाले टाइम के अंदर क्या वर्ल्ड लीडर रिस्पेक्ट में मोदी सबसे टॉप वन पे नजर आते हैं, या फिर आज जैसे कि माना जा रहा है, प्रेडिक्शन की जा रही है दुनिया की जानिब से कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो इंडिया प्रेडिक्शन में आएगी, और उसके अलावा दुनिया के ऊपर जैसे ब्रिटिश रूल था, आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका नहीं इंडिया रूल करेगा, क्या वजूहत है और क्या आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा ही होगा, आपने बात की तीसरे नंबर पे आने की प्रेडिक्शन है, पेशनगोइयां की जा रही है, पेशनगोइयां नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि इंडिया इंशाल्लाह पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि जिस लिहाज से वो जिस रफ्तार से वो जो है ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, इंडिया पहले नंबर पर आ जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और हम जो है IMF के गुलाम है, और हमारी सबसे बड़ी जो खामी है, वहाँ नौजवान अपने मुल्क में रह के अपने वतन का नाम रोशन करना चाहते हैं, हमारे नौजवानों की अक्सरियत जो है, आपने पिछले चंद महीनों में देखा है, अक्सरियत नौजवानों की जो है वो बाहर जाने पे मजबूर है, और वो चाह रही है कि पाकिस्तान में अब ना नौकरियां हैं, ना कोई मामला ऐसे हैं, ना इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो डेट्स वाई अगर मेरी भी बात करें तो मैं भी चंद महीनों तक इंशाल्लाह हो सकता है पाकिस्तान छोड़ दूँ, वजूहत की क्या है कि हमारे पास नौकरियाँ नहीं है, हम जो है IMF के मोहताज हैं, खाने के पैसे नहीं है, सबसे बड़ी जो हमारी डिफॉल्ट की रीजन है, तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं है। अभी आप जूस कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, एक मामूली सा कॉमन क्वेश्चन करती हूँ, एक जूस का ग्लास पाकिस्तान के अंदर कितने का मिल रहा है आपको? 200 का था मेरे ख्याल, 200 का ना, 250 का, ऑलमोस्ट 250-220 से नीचे कोई भी नहीं है, मैंने खुद भी पिया है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे आईडिया 220 और 250 के राउंड अबाउट है, तो मतलब यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मामूली सा जूस का जो एक ग्लास छोटा वो हमें 200 से ऊपर मिल रहा, तो हम कहाँ का मिलता होता था भाई, अभी तक याद है एक से डेढ़ साल पहले, वो एक से डेढ़ साल पहले, दो साल पहले ये जूस का ग्लास आप देख सकते हैं कि ये जूस का जो ग्लास है वो 200 का है, तो यहाँ पर खत्म करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका नाम? दाऊद। करते क्या हैं?
सीएम है, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। माशाल्लाह, पढ़े लिखे नौजवान एक और हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई आप मुझे ये बताइएगा कि वर्ल्ड इज्जत पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रहा, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया की बहुत चर्चे हैं दुनिया में और आज इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की, मैं समझती हूँ कि सिर्फ इंडिया इंडिया और इंडिया के अंदर जा रही, लेकिन पाकिस्तान 90s के बाद आज तक स्टेबिलिटी की तरफ आ ही नहीं सका, क्या वजूहत है? देखें, इट डिपेंड्स अपॉन द लीडर्स, आपके लीडर किस तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, एक नेशन को किस तरह से लेके चल रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आपके पास एक आईटी टावर है, वहाँ पे इस तरह के 6 और माइट बी 7 है इस तरह से। तो जब आपके लीडर्स या आपकी गवर्नमेंट आपको एक टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रही है, एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, अगर आप एक्सपोर्ट्स में चेक करते हैं तो इंडिया इज इन दी टॉप 3 एक्सपोर्टर्स ऑफ आईटी सर्विसेज। तो अगर उस लिहाज से देखते हैं, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, तो इंडिया उसमें बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तान में हर लिहाज से डिफ़िकल्टीज उसमें बनाई जा रही हैं। लेकिन एक बात जो इसमें यह है कि आपको जनरली आप ये सोसाइटी में देखते हैं तो इसमें जो एक साइकोलॉजिकली एक फैक्ट बनाया जाता है कि हम उस बंदे की इज्जत करेंगे जो सूटेड बूटेड है, जो अच्छी गाड़ी से निकल रहा है, जिस तरह से वो प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट इस तरह से होंगे कि देखें मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, तो फिर मेरे नहीं ख्याल से कि कोई आपकी इज्जत करेगा। तो आप इन्हें कभी नहीं देखोगे दूसरे से एकदम गर्म जोशी से गले वगैरह मिला के मिलते हुए, पर अब देखो यही सेम लीडर्स पीएम मोदी से कैसे मिलते हैं। बस बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। मोदी जी के मामले में ऐसा लगता है जैसे दो देशों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बल्कि दो पुराने दोस्त मिल रहे हो। इनफैक्ट एक बार तो मोदी जी ने खुद बताया था कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलने गए थे रात के 11 बजे, लेकिन उनकी बातें सुबह के 4 बजे तक चलती रही। सो डेफिनेटली मोदी जी की ये पर्सनालिटी उन्हें वर्ल्ड लीडर्स से काफी क्लोज रिलेशन बनाने में हेल्प कर रही है। तो अगर कश्कोल हमारा कौमी निशान बन जाएगा तो ये दिस नॉट अ पॉजिटिव पॉइंट। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो आपने कहा वहाँ पर जो आईटी एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है, बट पाकिस्तान में एक आईटी टावर है। अगर हम आईटी टावर की आरफा क्रीम की बात करें तो हमने उनको क्या दिया? देखिए, सिर्फ आईटी का मसला नहीं है, उनकी एजुकेशन सिस्टम को देखें, वो किस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके चल रहे हैं। नो डाउट कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है दोनों कंट्रीज में कि इसे हम एक माइंडसेट इस तरह का डेवलप कर सकें कि रिसर्च बेस्ड हो, हर चीज़ को हम रिसर्च के तौर पर लेके चल सकें। तो दोनों कंट्रीज में ऐसा नहीं है, बट अपेरेंटली इंडिया इज मच बेटर देन पाकिस्तान। इकोनॉमिक लिहाज से देखें, आपकी जो जीडीपी है उससे कंपेयर करें इंडिया की जीडीपी के साथ, आपकी एक स्टेट, उनका एक स्टेट का जो जीडीपी है पूरे पाकिस्तान के बराबर है। मतलब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, उनका एक स्टेट और पूरा पाकिस्तान, और हम कहते हैं कि नहीं भाई हम तो किसी से पीछे नहीं है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और फैक्ट्स का हमें नजर डालना पड़ेगा। मिस, आप एक स्टेट की बात करें, उनकी जो कंपनी है ना वो टाटा, अगर आप उनका वो उठा के देखें और पाकिस्तान की सारी कंपनीज को मिला के देखें तो वो उसके बराबर भी नहीं है। सो प्लीज, क्या कहना चाहेंगे एंड पे कि हम अपने लीडर्स की बात करें तो इन इयर्स के अंदर हमारे लीडर्स में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आई, कोई एक बाहर है, कोई एक जेल के अंदर है, कोई एक केयरटेकर के बाद उतर गया है, एक केयरटेकर आ जाती है, मतलब मामला बहुत ज्यादा पेचीदा नजर आ रहे हैं। अगर ऑन द अदर हैंड हम आने वाले टाइम की बात करें तो क्या लगता है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ आ सकेगा और कौन सा हुक्मरान हमारे मुल्क के ऊपर अगर रूल करेगा तो ही हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, और क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी जो कंट्री है उसे संवारा है, या मुसलमान जैसे हम कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, तो क्या वो मुसलमानों के खिलाफ है? कोई भी कौम के ऊपर जो लीडर आता है ना वो उसकी अवाम के ऊपर होता है कि उसकी जैसी अवाम होती है उसके ऊपर वैसा ही लीडर मुसल्लत कर दिया जाता है, जैसे आल्सो फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आई गेस। तो मेरे ख्याल से हमें एज अ पर्सन अच्छा होने की जरूरत है, तो जब हम इंडिविजुअली तौर पे अच्छा होना शुरू हो जाएंगे हमारा जो लीडर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। मान लिया कि इंडिया इज मच बेटर देन पाकिस्तानीज, Not Indians, but the system is much better than. घुमा फिरा के बात वही पे आ गई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका नाम? हमजा शोकत। करते क्या है? मैं स्टडी करता हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन का। अरे माशाल्लाह, फिर आने वाले टाइम के अंदर आप भी बहुत बड़े एंकर नजर आते हैं। जी अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा आप मुझे बताइएगा इस टाइम जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, अगर हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो इस टाइम दुनिया के ऊपर एक ही नाम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी 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 हर जगह पर, और इंडिया 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 इंडिया। वाई वर्ल्ड रिस्पेक्ट नॉट पाकिस्तान बट इंडिया, वाई?
पाकिस्तान में ऐसा लीडर क्या है या फिर पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बेहतर नहीं है, दुनिया जो है वो बेहतर इकॉनमी की तारीफ करती है, तो जब पाकिस्तान उस मकाम पे पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान की भी तारीफ होगी। पाकिस्तान 75 सालों में नहीं पहुंच पाया, कि आपको आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल से आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान इस टाइम पर आ जाएगा कि दुनिया हमारी इज्जत करे और दुनिया हमें पूछेगी और कहेगी कि ये हमारा बरादरान मुल्क है। देखिए, इस बात के बहुत से पहलू हैं। अगर सिर्फ हम तरक्की की बात करें तो बहुत से एंगल्स निकलते हैं। पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में लीडर्स पैदा होने ही नहीं दिया गया, और लीडर्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं कुछ अरसे के लिए, और शायद मैं जो बातें करूं फिर मुझे पर्चे हो जाए। बाकी यह है कि फ्रीडम रखे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, अपने हक की आवाज़ हर किसी को उठाने की हमें इजाजत देता है कि हम बात कर सकते हैं। मुझे बताइएगा, जैसे कि आपने कहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की गवर्नमेंट ही नहीं आई, जो तारीफें की जाए इकोनॉमी बेहतर नहीं है, और बात भी है कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लेकर नहीं चला जाता। पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने 5 साल के लिए सोचती है, और ये सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम नीचे ही हो जाती है वो। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अभी तक किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो ये एक अलमिया है हमारे माशरे का। ऑन द अदर हैंड हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी क्या खासियत है जो दुनिया आज उनको पूछ रही है, उनकी इज्जत कर रही है, और आज वर्ल्ड जो लीडर्स में से सबसे फेवरेट माने जा रहे हैं वो आज दुनिया की नज़र में वो ही माने जा रहे हैं, क्यों, क्या वजूहत है? देखिए, एक तो ये है कि ये चीज़ें कॉमन है बेसिकली पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, कि वो कुछ कार्ड्स खेलते हैं, जैसे रिलीजन कार्ड हो गया, हाँ जी, और इसके अलावा जैसे कश्मीर के इशू है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी पाकिस्तान में इशू है, कश्मीर इशू है, ठीक है। सो हम अपने तरीके से खेलते हैं वो कार्ड, वो अपने तरीके से खेलते हैं। सो और हिंदू एक्सट्रीमिज्म आपको इस वक्त नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर, किस तरह से वो मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर रहे हैं और गाय को लेकर, और इस तरह के जो भी इश्यूज होते हैं। नहीं, मैं आपको दो चीजें बताऊंगी, आपने गाय की बात की, हमें किसी के पर्सनल मजहब पर नहीं जाना चाहिए, वो उनकी बात है कि वो किस तरह से किसको एहतराम करते हैं, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो उस कार्ड को खेलते हैं अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। हाँ, एक चीज वो हो गई। सेकंड चीज, आपने कश्मीर की बात की है तो मैं आपको बताती, चलो आपने मुसलमानों का कहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा तंगी से रह रहे हैं या जो भी आपने बोला है, तो मैं आपको बताऊँ की, या बल्कि आपसे पूछती हूँ, एक दुनिया की 5वीं बड़ी मुशियत, दुनिया की इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है, दुनिया के लीडर्स वहाँ जा रहे हैं, और कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग हुई है, ग्रैंड 20 कंट्रीज, फिर भी मुसलमानों पे इतना जुल्म है, तो दुनिया क्यों नहीं उनको कुछ कह रही? ये आपके सवाल में जवाब है कि दुनिया क्यों उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट है। सो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो होती है सबसे बड़ा हथियार होती है। सो जिसकी जेब में पैसा होता है, जिस मुल्क के पास खजाने होते हैं और जिसकी इकोनॉमी बेहतर होती है, उस मुल्क की तमाम बातें मानी जाती हैं। बिल्कुल सही। अब आखिरी एक सवाल है आपसे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि हमारे लिए गुजरात का कसाई है, मुसलमानों का दुश्मन है और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने अपनी अपनी कंट्री के लिए वो बहुत बेहतरीन साबित हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर प्रिडिक्शन के मुताबिक जहाँ तीसरी बड़ी इकोनॉमी है ब्रिटिश और अमेरिका के बाद, अब इंडिया रूल करेगा, कैसा पॉसिबल है आने वाले टाइम के अंदर? जी बिल्कुल पॉसिबल है, वो हार्ड वर्किंग नेशन है और उनके पहले ही आप देख लें गूगल के CEO और गूगल के इससे अलावा जी ब्रांड्स जो हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं उनके CEO जो हैं वो इंडिया से हैं। सो वो हार्ड वर्किंग भी हैं, वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और कंसिस्टेंसी है उनमें पाई जाती है, हमारी तरह नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि दुनिया पे रूल करना शुरू कर दिया इंडियंस ने या इंडिया ने, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा कुछ नहीं बनेगा, जैसे कि मुल्क को तो कुछ नहीं हो सकता, ये बातें न्यूक्लियर पा रहे हैं हम। So, हम हमारा तो, क्योंकि हम उन्हें मानते नहीं है ना, हम कहते हैं कि हम इंडिया से फ्रेंडशिप एक टाइम पे करेंगे, हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमें मजबूरन उन्हें सलाम करना पड़ेगा। इसमें हमारी ही बदकिस्मती है और हमें ही नुकसान है कि हम उनसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाह रहे। यूरोपीय